नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू के स्पॉट राउंड वन की यहां पर जो है वो रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जा चुका है। आप सभी लोग अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लें। जो लोग भी यहां पर स्पॉट राउंड के भरोसे यहां पर बैठे हैं, एक बार चेक करें क्या आपको यहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। बेसिकली होता यह है कि बीएचयू अपने राउंड के रिजल्ट के साथ कट ऑफ यहां पर अपलोड करती है, लेकिन जो अपने ये मेन वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, ये वेबसाइट अभी जो है वो वर्क नहीं कर रही। हो सकता है कि थोड़े देर में वेबसाइट प्रॉपरली चलने लगे तो यहां पर कट ऑफ ये अपलोड कर देते हैं, जिसकी एनालिसिस जो है वो हम आपको करके देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मैं आपको यहां पर ये जरूर दिखा देता हूं कि भैया पहले स्पॉट राउंड का रिजल्ट यहां पर आ चुका है, जैसे कि एक बच्चे का है, बच्ची का है बेसिकली, क्योंकि वसंत कन्या महाविद्यालय वीकेएम में इसका यहां पर एडमिशन हुआ है। तो इसको यहां पर ये बता रहा है कि इनको यहां पर बीए ऑनर्स आर्ट्स हिंदी यहां पर मिल गया है, जो कि पांचवें नंबर की यहां पर चॉइस थी। अप्रूव्ड फॉर द पेमेंट, जैसे यहां पर आप फी पेमेंट करोगे ये सीट आपकी यहां पर सिक्योर हो जाएगी, बिना फीस पे किए ये आपकी सीट आपको नहीं मिलेगी। तो स्पॉट राउंड के लिए जितने भी बच्चों ने यहां पर अप्लाई किया था, एक बार अपने रिजल्ट को जरूर चेक करें और देखें कि आपको यहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। एक बार ये वेबसाइट चल जाएगी, कट ऑफ आ जाएगा, देन हम लोग यहां पर आगे के एनालिसिस जो है वो कर सकेंगे। बाकी जितने भी बच्चे 13 और 14 तारीख को यहां पर उनका फिजिकल रिपोर्टिंग होना है, मतलब जिनके रेगुलर राउंड्स में एडमिशंस हो चुके हैं, जिनको 13 और 14 को यहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आना है, उन सभी बच्चों के लिए यहां पर इन्होंने टाइम और वेन्यू जो है वो यहां पर इन्होंने बता दिया है। और जिसमें इन्होंने बेसिकली वही है कि एफिलिएटेड कॉलेज वालों को भी यहां पर मेन कैंपस में ही आना है। जैसे आप देखो आर्ट्स में भी आपके मेन कैंपस में, इसमें कॉमर्स में अब जैसे विवा का कोर्स है, तो चूंकि ये आरजीएससी में चलता है तो वही ही आपको जाना होगा। तो इस तरीके से इन्होंने यहां पर वेन्यू और टाइम जो है वो यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो बेसिकली आप 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 से 4 के बीच में यही आपके एड्रेस होंगे जहां पर आपको पहुंचना होगा, मतलब मेन कैंपस में ही आना है। अब साइंस वाले फैकल्टी में जाएंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स में, सोशल वाले सोशल में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, बीएलएलबी वाले लॉ फैकल्टी में जाएंगे। बहुत बेसिक सी कॉमन सी बात है जो कि हमने आपको पहले भी बता के रखा है, ठीक है। तो ये रही ओवरऑल इंफॉर्मेशन, बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।